हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग सारे व्लॉगों से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम घर का कुछ नहीं दिखाने वाले। आज जा रहे हैं हम लोग घूमने बाहर, और बाहर ही खाएंगे, बाहर का ही खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर के आज बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक फूड व्लॉग बनाया जाए, कुछ बाहर का खाया जाए, घर पर कुछ ना बनाया जाए। तो इतना कुछ सोचने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाने वाले हैं बाहर घूमने के लिए, और जो भी है अपनी मनपसंद की चीज़ें सारी खाने वाले हैं। तो फिज़ा, मैं और निदा तीनों हो गए हैं तैयार। निदा भी रेडी हो गई, निदा का आज ब्यूटी पार्लर से ऑफ था, और फिज़ा भी रेडी हो गई है। तो बस हम निकलने ही वाले हैं। तो सारा सामान हमने बैग में पैक कर लिया, यानी अपना पर्स वगैरह जो है पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया है, और हम निकल गए हैं। तो हमें मिल गया वहाँ का ऑटो जहाँ हम जाने वाले हैं। तो आ गए हम सेक्टर 18 नोएडा, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पर आते ही हम रेस्टोरेंट में आने के बाद हमें सबसे अच्छा लगा यहाँ पे वेज कुरकुरे मोमोज। हम तीनों की यही राय थी कि हम वेज कुरकुरे मोमोज ही ले लें, क्योंकि बाकी के जो मोमोज वगैरह है, यानी बाकी के जो आइटम्स थे वो बाद में खाएंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि मोमोज खाते हैं और इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये थे कुरकुरे मोमोज, वेज कुरकुरे मोमोज, जो कि बहुत यम्मी थे देखने में। इतने एक तो बना जितने टेस्टी है देखने में लग रहे हैं, उससे भी कई ज़्यादा गुना टेस्टी हैं ये खाने में। सच में बहुत अच्छे लगे। और हम घर से कुछ खा के भी नहीं आए थे, तब तो भाई एकदम टूट पड़े हम कुरकुरे मोमोज पर। बट इसका रिव्यू सबका ही बहुत अच्छा था, फिज़ा को भी बहुत अच्छी लगी और निदा को भी। पर निदा का कहना था कि ये कुछ ज़्यादा स्पाइसी, और थोड़े स्पाइसी होते, बट मैंने कहा नहीं ये सही है, क्योंकि हमें और भी सारी चीज़ें खानी है, तो इतना ही स्पाइसी ठीक है। तो निदा, फिज़ा, मुझे तीनों को ये बहुत अच्छे लगे। और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या खाएंगे। अभी हम लोगों में इस बारे में सोच के काफ़ी बातें हो रही हैं। तो फिज़ा ने कहा कि पहले मोमोज खाएंगे, फिर थोड़ा बहुत टहलेंगे, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट खाने वाले हैं, ताकि कुछ खाने का मन भी हो। तो हम लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, एंड अब हम कुछ बाहर जाते हैं, कुछ नया रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, इसी बीच थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे। भाई हम घूमने आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ खाने के लिए आए हैं। तो भाई ये थी मेरी सिंपल सी ड्रेस जो कि मैं आज पहन के आई हूँ, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। एक्चुअली वाइट कलर जो है आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही भा रहा है, वैसे तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। तो हम आ गए हैं दूसरे रेस्टोरेंट में, जो है फूड फॉर यू रेस्टोरेंट का नाम। एंड फिज़ा यहाँ पर देख रही है कि भाई इसको क्या पसंद है। तो मैंने बोला कि छोले भटूरे मंगा लेते, लेकिन फिज़ा बोली नहीं, छोले भटूरे तो बहुत खाते रहते हैं, हर जगह मिलते हैं, कुछ नया मंगाते हैं। तो इसने मंगाए चाप नूडल्स, वेज चाप नूडल्स, जो मैं भी थोड़ा सा देखने वाली थी, क्योंकि मैं पहली बार ही खा रही हूँ। नूडल्स वगैरह तो मैंने खाए, लेकिन चाप नूडल्स मैंने नहीं खाए। फिज़ा को ये अच्छे लगे, क्योंकि फिज़ा इस तरह ये खाना खाती रहती है। तो फिज़ा ने तो इसको फुल मार्क्स दे दिए। अब बारी आ रही है मेरी। तो भाई मैं तो सोच रही थी, देख के मुझे लग रहा था ना कि इसमें हम लोगों ने पैसे ही वेस्ट कर दिए, पर चलिए देखते हैं कि रिव्यू कैसा बैठता है मेरा। अब मैं निदा से पूछ रही हूँ कि निदा को कैसे लग रहा है। तो भाई निदा कहने लगी हाँ अच्छे हैं, और फिज़ा को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। देखो तो फिज़ा एकदम खाई जा रही है। खैर इस मोटी को तो पसंद आ गए, अब बारी है मेरी। तो चलिए मैं भी खा के देख लेती हूँ। जब फिज़ा ने ढेरों तारीफ़ की, तब मैंने खा के देखा, तो मुझे ये बिल्कुल सही लगे, क्योंकि जैसे नूडल्स होते हैं सेम उस जैसे ही थे, कुछ भी उन्होंने डिफरेंस नहीं था। जैसे कि चाप नूडल्स का नाम सुन के हम एक्साइटेड हो गए थे, उस तरीके का। इसके बाद इनको मिल गया एक छोटा सा आईफिल टावर, और ये ज़िद करने लगी कि फ़ोटो क्लिक करो। तो मैंने सोचा भाई यही मौका है कि इनको इसी आईफिल टावर के पास फ़ोटो क्लिक करवा दी जाए, क्योंकि इससे बड़ा वाला जो आईफिल टावर है वहाँ तो हम पहुँचने वाले अभी हैं नहीं, पर जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ भी। इसके बाद हम यहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। यहाँ पर डोमिनोज, ज़ीरो डिग्री, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। तो हम लोग बात करने लगे कि पिज़्ज़ा जो होता है वो डोमिनोज़ का ही अच्छा होता है। तभी हम लोग आके हम आ गए जीआईपी मॉल में, और यहाँ पे है जूडियो। जूडियो देखते ही हम लोग आ गए, क्योंकि हम जूडियो में आज से पहले कभी नहीं आए हैं। जूडियो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी है। जूडियो आते ही मुझे एक सैंडल पसंद आई, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट करने लगी, क्योंकि भाई ये वाला शीशा देख के तो ये देखने में एकदम अलग ही ऐसा लगता है, बस यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लो। एंड जूडियो में काफ़ी अच्छी सेल लगी थी, और जैसे मैं पहली बार आई हूँ तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे एंड एफोर्डेबल प्राइस में आप बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। जूडियो एक मिडिल क्लास गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है,
जैसे कि बहुत हाई फाई ब्रांड होते हैं वहाँ पर, एक मिडिल क्लास और जो जो उससे भी लेवल का थोड़ा नीचे लेवल का जो इंसान होता है वो थोड़ा जा नहीं पाता है क्योंकि थोड़े से कॉस्टली कपड़े होते हैं। तो भाई हम जैसों के लिए तो ये बेस्ट है जूडियो। इसके बाद हम एक दूसरे में आ गए हैं, ये MI करके कुछ था, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ उसका नाम। तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा है घर से रिलेटेड, और बहुत सारा बच्चों से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड सारा सामान मिल रहा है। बिल्कुल सुपर 99 की तरह है स्टोर जहाँ मैं आई हुई हूँ। तो यहाँ माहिरा के लिए देख लेंगे कि माहिरा का बर्थडे आने वाला है तो माहिरा के लिए क्या लें। तो मैंने एक माहिरा के लिए बहुत ही अच्छा जो है एक बॉक्स टाइप का लिया जिसमें बहुत कुछ थे, बहुत सारे कलर थे, जैसे पेंसिल कलर, मोम कलर और ड्राइंग, ये सब पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सामान लिया जाए। तो फिर हम लोग मॉल से बाहर आ गए एंड अब हम आ गए हैं फिर से सेक्टर 18 और जहाँ मैं फेवरेट वाला अपना पराठा खाती हूँ, क्योंकि मैं जो पराठा खाती हूँ मैं उन लोगों से बहुत तारीफ़ करती रहती हूँ। तो ये लोग कहने लगी कि चलो वो पराठा खिलाओ हमें भी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया गोभी प्याज का पराठा। तो भाई मैंने ऑर्डर किया गोभी प्याज का पराठा क्योंकि वो मेरा वन ऑफ फेवरेट पराठा है। पनीर का पराठा और गोभी प्याज का पराठा, यानी पनीर प्याज और गोभी प्याज का पराठा मेरे दो फेवरेट पराठे हैं। कभी तो मैं गोभी प्याज का पराठा खाती हूँ, कभी पनीर प्याज का, लेकिन मैं गोभी प्याज का पराठा ज़्यादा खाती हूँ। तो यानी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड इसके बाद देखिए मैं यहाँ बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने पराठे के साथ चटनी और अचार भी मिलता है, तो ये तो और भी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पे फैंटा ली है, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जितनी तारीफ़ें तुमने की थी उतना टेस्टी तो ये है नहीं। बट मैंने कोई नहीं, आज मुझे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा, बट ये बहुत टेस्टी है। मैं यहाँ पर सच में पराठे के लिए स्पेशली आती हूँ और यहाँ आने के बाद ही मैंने पराठे खाना पसंद किए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और देखिए मैंने यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ली, ये इमली वाले जो टॉफ़ी आती हैं वो ली हैं, जो कि बचपन में चूरन वाले लड्डू, और मैंने चांद सितारे ले लिए। यही खाते हुए हम जाएंगे ताकि हमारी जर्नी रहे बेस्ट और हम अच्छे से ट्रैवलिंग कर पाएँ, ताकि हम अच्छे से इंजॉय करते हुए ट्रैवलिंग करें। तो बस एक एक करके हम सारे पैकेट जो है खा गए, थोड़ा सा चांद सितारे बचे थे तो मैंने माहिरा को आके दे दी। और बिल्लू है कि मुझे देख के चिल्ला रहा है कि तुम कहाँ गई थी बिना मुझे बताए हुए, लो अभी से ही बताना पड़ेगा इसने बिना। चलिए तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ चैनल